नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल रिटेलर के लिए उसकी प्रॉफिट मैनेजमेंट उसका एसेट मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चीज़ें आपके स्ट्रेटेजिक मॉडल के अंदर हम डिस्कस करते हैं अब स्ट्रेटेजिक फिट मॉडल के ऊपर और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल जो है वो मॉडल का एक्चुअली लुक क्या है वो मॉडल एक्चुअली तीन चीजों के ऊपर कंप्राइज करता है सबसे पहला पार्ट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन नंबर टू एसेट टर्नओवर नंबर थ्री फाइनेंशियल लेवरेज और आउटकम निकल के आएगा हमारे पास विच इज नंबर फोर्थ रिटर्न ऑन नेटवर्थ नंबर वन कैसे कैलकुलेट हो रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट हो रहा है ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है आपके लिए एक बड़ा अच्छा रिकॉल है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आउटकम होगा वो हमें बता रहा होगा कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है मल्टीप्लाई करेंगे इसको एसेट टर्न से एसेट टर्न कैसे कैलकुलेट होगा विच इज नंबर टू एसेट टर्न कैलकुलेट होगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अभी हमने डिस्कस किया और अगेन इस फॉर्मूले के अंदर ये बात फिट हो गई तीसरी हमारे पास है फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज की कैलकुलेशन है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आउटकम निकल आएगा फाइनेंशियल लेवरेज का तो एक्चुअली जब हम रिटर्न ऑन वर्थ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास जो आउटकम निकल के आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेटवर्थ तो ये आउटकम हमें दे रहा होगा कितना रिटर्न है हमें अपने बिजनेस के ऊपर ऑन दी नेटवर्थ कितनी प्रॉफिटबिलिटी है ऑन नेटवर्थ मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल की रेशियोज रख रहा हूं डिफरेंट रिटेलर्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम ये बहुत सारे रिटेलर्स को डिस्कस नहीं करते हैं क्विकली लेट मी पिक फ्यू ऑफ दैम तो हमारे पास तीन तरह की रेशियोज यहाँ पे मैंशन है सबसे पहली रेशो है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो अभी हमने डिस्कस किया है एसेट टर्न ओवर रेशो है और रिटर्न ऑन एसेट्स की परसेंटेज है तो अगर हम लेट से फर्स्ट टू स्टोर्स को पिक कर लेते हैं फर्स्ट टू स्टोर्स को पहला है बेस्ट बाय कैटेगरी स्पेशलिस्ट है सो बेस्ट बाय का नेट प्रॉफिट मार्जिन है थ्री होम डिपो का नेट प्रॉफिट मार्जिन है सिक्स पॉइंट थ्री के प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से नेट प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से अगर मैं सिर्फ इन दो कैटेगरी स्पेशलिस्ट इन दो रिटेलर की बात करूंगा तो होम डिपू इज मोर प्रॉफिटेबल देन बेस्ट बाय एसेट के हवाले से अगर मैं बात करता हूं इन दोनों रिटेलर के हवाले से तो अगर आप देखेंगे तो बेस्ट बाय का टर्न ओवर एसेट टर्न ओवर इज हायर हाउेवर होम डिपो का एसे टर्न ओवर इज लो एज़ कंपेयर टू बेस्ट बाय और अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करता हूँ इन्हीं दोनों रिटेल स्टोर की एग्जाम्पल के हवाले से तो अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट में तो जो रिटर्न ऑन एसेट्स बेस्ट बाय का है ऑलमोस्ट होम डिपो का भी वही है बल्कि होम डिपो कुछ बेहतर पोजीशन में है वन पॉइंट ऑलमोस्ट अप है एज कंपेयर टू बेस्ट बाय तो एक रिटेलर जब स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल बना रहा होता है तो वो इंडस्ट्री को भी सामने रखता है वो ये देखता है कि मैं कैटेगरी स्पेशलिस्ट हूँ मेरा कोई स्पेशलिटी स्टोर है मैं कोई ड्रग स्टोर हूँ मैं फार्मेसी हूँ मैं कोई डिस्काउंटर हूँ मैं कोई हाइपर मार्केट हूँ मैं कोई सुपर मार्केट हूँ मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हूँ मैं कोई कन्वीनियंस स्टोर हूँ जिस तरह का उसका बिजनेस मॉडल होगा जिस तरह का बिजनेस मॉडल होगा उसी तरह की उसकी उसके कंपैटेटर होंगे और अगेन उस कंपैटीटर की उस इंडस्ट्री की एक नेट प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज होगी एक एसेट टर्न की परसेंटेज होगी और इसी तरीके से एक रिटर्न ऑन एसेट की परसेंटेज होगी और टारगेट ये है कि कितना ज्यादा आप रिटर्न ऑन एसेट की परसेंटेज को बेहतर कर सकते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है इनकम स्टेटमेंट की और इस एग्जाम्पल के मैं क्विकली इसको समझाता हूँ आपको ये इनकम स्टेटमेंट है गिफ्ट टू गो की गिफ्ट टू गो एक रिटेल स्टोर है और उसकी ये इनकम स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है अब गिफ्ट टू गो अपना एक और मॉडल लॉन्च करने जा रहा है गिफ्ट टू गो डॉट कॉम ऑनलाइन स्टोर के हवाले से तो ये दूसरा मॉडल हमारे पास आ गया उसकी इनकम स्टेटमेंट है और फिर तीसरी इनकम स्टेटमेंट हमारे पास नजर आ रही है ये कम्बाइंड बिजनेस की है तो ये इनकम स्टेटमेंट गिफ्ट टू गो के दो मॉडल की विच इज़ द फिजिकल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स और फिर हमारे पास सो नंबर वन इज़ फिजिकल स्टोर नंबर टू इज़ ऑनलाइन स्टोर एंड नंबर थ्री इज़ कम्बाइंड बिजनेस दोनों ऑनलाइन और Uh, जो फिज़िकल स्टोर है उसको कंबाइन करने के बाद तो यहाँ पर हमारे पास नेट सेल्स ग्रॉस मार्जिन आपके टोटल एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करना सीख ली है मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने लगा आपको लेकिन क्विकली आइडिया देने लगा हूँ कि ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज थी कि जब हमने ग्रॉस मार्जिन की वैल्यू को डिवाइड किया था नेट सेल्स के साथ इसी तरीके से हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है तो ये सारी परसेंटेज इनकम स्टेटमेंट के थ्रू निकल के हमारे सामने आ गई हैं तो एग्जाम्पल क्विकली डिस्कस कर लेते हैं जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट कॉम्पोनेंट की तो ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट हुआ हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज कैलकुलेट होनी है ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स तो इस रिटेलर की फिजिकल स्टोर का मार्जिन क्या है और ऑनलाइन का मार्जिन क्या है तो उसकी नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि फिफ्टी ग्रॉस मार्जिन उसका फिजिकल स्टोर से है और फिफ्टी परसेंट ही ग्रॉस मार्जिन उसका नेट सेल से है दोनों की सेल्स भी डिफरेंट है और दोनों का मार्जिन भी डिफरेंट है लेकिन स्टिल आउटकम एक नजर आ रहा है जो कि ऑफकोर्स उस बिजनेस के डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की परसेंट की बात करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल के सारे कॉम्पोन को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस परसेंटेज किस तरीके से आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली नंबर वन है नंबर टू फिज़िकल स्टोर वर्सेज ऑनलाइन स्टोर के अंदर तो अगर आप देखेंगे तो फिजिकल स्टोर में एक्सपेंसिस की परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला इज थर्टी फाइव परसेंट इस पर्टिकुलर गिफ्ट टू गो रिटेल स्टोर की और उसके ऑनलाइन स्टोर की ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो हैं वो थर्टी फोर परसेंट है विच मीन्स के उसके फिज़िकल स्टोर की ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ हायर स्लाइटली हायर देन स्टोर नेट प्रॉफ़िट की परसेंटेज के ऊपर आएंगे जो कि हमारे पास कॉम्बिनेशन है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स का और अगेन दोनों मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे दोनों बिजनेस मॉडल्स की तो फिजिकल स्टोर के अंदर उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन एट परसेंट जबकि ऑनलाइन के अंदर उसकी नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज़ टेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली उस रिटेलर का नेट प्रॉफिट मार्जिन इज बेटर इन ऑनलाइन बिजनेस एज कंपेयर टू फिजिकल स्टोर बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिस तरह अभी मैंने गिफ्ट टू गो की इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखी है इसी तरीके से उसका अब मैं आपके सामने बैलेंस शीट रखने लगा तो पहली बैलेंस शीट का कॉम्पोनेंट जो है दैट इज फिजिकल स्टोर की बैलेंस शीट जो दूसरा कॉम्पोनेंट है दैट इज ऑनलाइन स्टोर की बैलेंस शीट और फिर तीसरी कॉम्पोनें जो है तीसरा कॉम्पोनेंट जो है दैट इज़ कम्बाइंड बिजनेस का आपका कॉम्पोनेंट तीसरे कम्बाइंड बिजनेस की बैलेंस शीट तो उसके ऊपर हमारे पास अगेन बैलेंस शीट के तमाम कॉम्पोनेंट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको जो भी हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे अपनी स्लाइड के अंदर तो क्या कैलकुलेट करना है हमने अपनी बैलेंस शीट के डाटे से और अपनी इनकम स्टेटमेंट के डाटे से हमने कैलकुलेट करना है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेंट्री टर्न ओवर कैसे आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट से जो कि आपको कैलकुलेट करने में हेल्प कर रही है या आप, आपकी बैलेंस शीट से कि आपका फिजिकल स्टोर के ऊपर इन्वेंट्री टर्न क्या है और आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर क्या है तो इन्वेंट्री टर्न ओवर ऑन फिजिकल स्टोर इज टू हाउ एवर इन्वेंट्री टर्न ऑन ऑनलाइन स्टोर इज थ्री दिस मीन कि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इन्वेंट्री टर्न ओवर इज थ्री टाइम्स हाउ एवर फिजिकल स्टोर के ऊपर इन्वेंट्री टर्न ओवर इज टू टाइम्स एसेट टर्न ओवर की तरफ हम आते हैं जिस तरह से स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल के अंदर इन्वेंट्री टर्न ओवर का जिक्र था और अब एसेट टर्नओवर की तरफ आते हैं फॉर्मूला नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल हमें मिल जाएंगी इनकम स्टेटमेंट से टोटल एसेट्स हमें मिल जाएंगे बैलेंस शीट से तो फिजिकल स्टोर की और ऑनलाइन स्टोर की एग्जाम्पल को ही कैरी कर रहे हैं हम आगे तो अगर हम देख रहे हैं ऑफ़ फिजिकल का टाइम्स है जबकि हमारे पास जो ऑनलाइन स्टोर है उसका टू पॉइंट जीरो नाइन विच टर्नओवर एसे इज बेटर इन ऑनलाइन मॉडल एस कंपेयर टू फिजिकल स्टोर और ये कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला है विच इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स तो अब अगर हमने रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना होगा तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एसेट टर्न ओवर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा जो कि यहां पर एज एन आउटकम नजर आ रहा है फिजिकल स्टोर का भी और ऑनलाइन स्टोर का भी दोनों एग्जाम्पल्स उसी कंपनी की हमने यहाँ मौजूद नहीं हुए और ये जो नंबर्स यहां है ये हमने जो पीछे परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं वो वहां से आ गई हैं और फार्मूला रिमेंस द सेम नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर, तो इससे विजिबल है कि फिजिकल स्टोर के अंदर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट इज फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन पॉइंट परसेंट ऑनलाइन बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑन एसेट्स इज ट्वेंटी इट इज हायर एज कंपेयर टू द फिजिकल स्टोर्स तो एज ए समरी अगर हम स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल की बात करें तो हम एक्चुअली प्रॉफिट मैनेजमेंट की बात भी करें और हम एसेट मैनेजमेंट की बात भी कर रहे हैं जिस तरह से मैंने स्टार्ट के अंदर ये डिस्कशन किया कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है मैं अगर क्विकली सबसे पहले जर्नी की बात करूं जो हमने पूरी स्लाइड्स के अंदर कवर किया ये इस टेबल के अंदर समराइज़ है तो नेट सेल्स हमारे पास थी नेट सेल्स से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस मार्जिन आ गया वेरिएबल एक्सपेंसेस में फिक्स एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए जब हमने ग्रॉस मार्जिन में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट को जब मैंने नेट सेल्स के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया तो ये कैलकुलेशन थी जर्नी था प्रॉफिट मैनेजमेंट का और अगर हम जर्नी में आपको दिखाऊं एसेट मैनेजमेंट के हवाले से तो हमारे पास फिजिकल इनमें कुछ फिक्स एसेट्स की इन्वेंट्री थी और कुछ करंट एसेट्स की इन्वेंट्री थी तो इन्वेंट्री प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस अदर करंट एसेट्स इन तीनों को जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए टोटल करंट एसेट्स में हमने फिक्स एसेट्स को एड किया तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए नेट सेल्स को डिवाइड कर दिया टोटल एसेट से तो आउटकम मेरे पास एसेट टर्न का आ गया अब मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करना है एसेट टर्न के साथ तो जो आउटकम होगा दैट इज रिटर्न ऑन एसेट। तो स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल के अंदर इस पूरी बैलेंस शीट और पूरे इनकम स्टेटमेंट का एक बड़ी पिक्चर का एनालिसिस करने के बाद आउटकम हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स की शक्ल में आता है और रिटर्न ऑन एसेट्स ये है कि एक रिटेलर ये इवेल्यूएट कर रहा है कि मेरे बिजनेस में जितनी मैंने एसेट्स हैं मेरे जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मैंने क्या रिटर्न लिया है तो टारगेट शुड बी ऑफ कोर्स दी हायर एंड हायर एंड हायर रिटर्न ऑन एसेट्स जितना बेहतर होगा उतना बिजनेस के लिए इन्वेस्टर के लिए इट इज़ अ बेस्ट बिजनेस प्रोपोजिशन